दोस्तों आज घर में ही बिना ओवन के बनाएंगे नमकीन क्रिस्पी स्नैक्स। इसको बनाने की प्रोसेस बहुत ही ईजी है और टेस्ट ऐसा है कि इसको खाने के बाद आप 50-50 मस्का चस्का मोनेको आदि बिस्किट्स का स्वाद भूल जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए लिए मैंने एक कप ग्रेवी। कभी कभी होता है ना कि ग्रेवी बच जाती है और सब्जी के पीसेस ख़त्म हो जाते हैं, तो ये वही ग्रेवी है। ये थोड़े मोटी मोटी है, इसको मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छा सा बारीक पेस्ट बना लूँगी। इस ग्रेवी में हमने अनियन, जिंजर, गार्लिक और मसाले जैसे हम आम सब्जियों में डालते हैं वो डालकर ऑयल में भुना हुआ है। इसको बस मिक्सी में ऐसे बारीक स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये देखिए अब ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, आप चाहें तो आटे में भी बना सकते हैं, और 1 कप चावल का आटा, ये एकदम महीन वाला चावल का आटा है। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, नमक ग्रेवी में है तो ध्यान से डालें, और 1 चम्मच शक्कर। इसमें डाल दिया है मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी। बहुत ज़्यादा इसमें घी ऑयल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रेवी में भी सब चीज़ें मिली हुई हैं। अब इस ग्रेवी को हम एक बार में पूरा नहीं मिलाएंगे, पहले आधा मिला लेते हैं। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, रोटी के जैसा आटा हमें मारना है, तो थोड़ा थोड़ा करके ग्रेवी को मिलाएंगे। अब यहाँ मैंने बाकी की भी डाल दी है। अगर आपकी किचन में बची हुई ग्रेवी नहीं है तो आप इस ग्रेवी को फ्रेश बनाकर भी ये स्नैक्स बना सकते हैं। अब आटे में सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, आटे को सरफेस पे डाल लेते हैं। अब इसको अच्छे से दोनों हाथों से गूंथ लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है आटे को, बिल्कुल रोटी के जैसा गूंथना है हमें। ये देखिए अच्छे से लचक देते हुए इसको हमने गूंथ लिया है। अब इसको पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, रोटी के जैसा इसको बेलना है। तो जितना बड़ी साइज आपके सरफेस पे बिल जाए उतना बनाने में इजी रहेगा एक बार में। ये इस तरीके से एक लंबी चौड़ी चपाती बेल लेंगे। थिकनेस में अभी आपको दिखाती हूँ कितना थिक रखना है इसको। ये हमने बेल लिया पूरा, देखिए इस तरीके से इसको इतना चपाती के जैसा पतला पतला बेलना है। अब इसको आप अपनी मनपसंद शेप और साइज में कट कर सकते हैं। मेरे पास ये सांचा है तो इसको मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। ये देखिए एकदम बिस्किट के आकार का मैंने कट कर लिया है। इसी तरीके से सारी चपाती बेलकर हम तैयार कर लेंगे। इनको आप तुरंत ही तल भी सकते हैं, रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको चाहें तो आप गोल आकार में बना सकते हैं या फिर अपने मनपसंद कोई भी शेप में बना सकते हैं। अब एक्सेस आटे को निकाल देंगे, ये बहुत ही आसानी से ये देखिए इस तरीके से निकल जाएगा। ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी। सेम प्रोसेस से मैं बाकी की भी तैयार कर रही हूँ। जितनी बड़ी चपाती आप एक बार में बेलेंगे उतना ही बनाने में इजी रहेगा कटिंग में। और ये जो एक्सेस आटा निकल रहा है इसकी फिर से लोई बना के चपाती बना के कटिंग कर सकते हैं। अब इन्हें हमें तलना है तो मीडियम हॉट ऑयल में हम इसको तलेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और स्लो भी नहीं होना चाहिए। जितना आ जाए एक बार में उतना ही डालिए, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है इसको हमें। गैस की आंच भी एक जैसी रखनी है, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा तेज, उसी पे इस तरीके से अलट पलट करते रहें। इनको तलने में मुश्किल से 5-7 मिनट रखते हैं मीडियम गैस पर। इसका कलर भी हमें गोल्डन रखना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। 5 से 7 मिनट में इसका रंग सुनहरा हो जाता है तभी हम इसको निकाल लेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप बचे हुए खाने को कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों बाजार के बिस्किट्स खाने से लाख गुना बेहतर हैं ये टेस्टी स्नैक्स। तो यहाँ मैंने सारे स्नैक्स बना लिए हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। इस तरह का घर में बनाया हुआ स्नैक्स हेल्दी भी है और आपको मालूम भी है आपने इसके अंदर क्या चीज़ें डाली हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।